कार्तिक से पूछ रहे थे कि उन्होंने मुझसे क्या सीखा. मैंने मक्खी मारना सीखा. नहीं, पर वो कभी झक नहीं मारते. अंडा पहले आया या मुर्गी नहीं पता. बट 3 में एक्चुअली मुझे ये पता चल गया था कि हाँ विद्या जी आ रही है, और इन्हें पता चल गया था कि माधुरी जी आ रही है. पहले मैं झूमा कूदा, फिर ये कूदी. वही वो वहीं पे थी. इतनी झूमी कि कल गिर गई. Yeah, I got really happy when she texted during Bulbulaa 2. When I saw the trailer, I messaged him. अब जब text करती हूँ तो you know text का जवाब ही नहीं आता. यही होता है 2 से 3 के बीच. शर्म नहीं आती. सबसे पहला सवाल, कैसे कर लेते हो सब कुछ ना, जैसे आप कर रहे हो, आप दोनों इतना आसानी से, अनगिनत लोग और सबको एक ही जवाब और बहुत सारे repetitive जवाब, कैसे, how do you manage, बहुत लोगों को अलग अलग मुख्तलिफ जवाब, हालांकि सवाल सेम आ रहे हैं. How do you manage this? और कितना tiring होता है जब आप promotion की बात करते हो? रिपीट, बस रीटेक दे रहे हैं हम तो बार बार. हमको तो आदत है. आई डिडंट रियलाइज दैट. हाँ, हमको आदत है. नहीं, पर उसके अलावा मैं जेन्यूनली प्रमोशंस एंजॉय करती हूँ, बिकॉज साल में मेरा एक फिल्म रिलीज होता है, कभी कभार 2 फिल्में, तो तभी सब ये तो एक्साइटेड है. आप ये इंटरव्यू आप 4 बार और करो. पर सच बात है, क्योंकि मैं आप सबसे मिलती हूँ साल में एक बार. उसके अलावा आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू टेक माई फिल्म टू पीपल. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक हम दोनों का एटीट्यूड एक ही है इस मामले में. दैट्स द होल पॉइंट. आई थिंक लोगों तक पिक्चर को पहुंचाना है, और जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके बारे में अवेयरनेस पहुंचे, आई थिंक वो जरूरी है. तो आई थिंक उसकी वजह से हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं. हम दोनों की ऑफ कैमरा केमिस्ट्री देखे, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, मुझे लगता है ऑन स्क्रीन तो धमाल ही कर दिया होगा, आग ही लगा दी होगी. माधुरी और विद्या जी को देखने जाएं या विद्या और कार्तिक को देखने जाएं? 3 है ना. सबको देखने, तो कार्तिक, माधुरी जी, मैं, फिर तृप्ति है. एक्चुअली ये बोनस है हमारी फिल्म में. हाँ, बहुत सारे बोनसेस हैं. बहुत सारे ऐसे करके वो भी कैमरा पे आता है. नहीं, बोनस कोई नहीं. राजपाल यादव, संजय मिश्रा, विजय राज. रुक जाओ ना यार. रुक जाओ ना. समझ गए, समझ गए. आप 3 बुलबुला 3 देखिए. मैं पहली पहली बुलबुले की बात करता हूँ, इतनी कल्ट रही है और हमेशा से उम्मीद रही कि आप हिस्सा बने. जब मैं मंजुलिका की बात करता हूँ, इतनी कामयाब, इतनी सक्सेसफुल फिल्म रही, आपने इतना वक्त क्या इसलिए लगाया कि आप कहीं अपने मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि चीज़ें जिस तरह से आज, क्योंकि दौर बदल गया है, सोशल मीडिया का इतना दखल हो गया है, फ्रेंचाइजी वगैरह का दौर भी नहीं था, इसलिए आपने इतना वक्त लगाया टू बी अ पार्ट ऑफ BB3? हाँ, जब BB2 मेरे पास लेके आए थे तो मुझे समझ में नहीं आया. ऑफकोर्स मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी, मुझे अच्छी भी लगी थी, पर मुझे लगा कि यार ये आई डोंट नो लोग कैसे रिसीव करेंगे. पर उसके अलावा मैं डर रही थी, क्योंकि भूल भुलैया ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, मैं उसे गंवाना नहीं चाहती थी. सच बात ये है. तो इसीलिए मैंने 2 नहीं की. पर जब 2 देखी, मुझे लगा कि अच्छा, बहुत अच्छे से ये मामला आगे बढ़ा है. और तभी फिर उसके बाद जब ये लोग मेरे पास वापस आए तो मैंने हाँ कर दी. यस, व्हेन आई सॉ द ट्रेलर, I messaged him. Yeah, इन्होंने मैसेज किया था मुझे. And then I also posted the trailer. दोनों इन्होंने अपने deliverables पूरे किए. अरे it was really hilarious बोलना था. I was really happy when she reacted to the trailer and she texted me actually at that point of time. एंड वो कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन की तरह, बहुत स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन की तरह होता है जब, बिकॉज शी वॉज एसोसिएटेड विद Part 1 एंड इन्होंने ऐसा मैसेज डालना, और इट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार कितना, मतलब ये कैसे, इनके बारे में भी वो बहुत कुछ बोलता है, वो इनका जो मैसेज था, तो उससे मैं बहुत खुश हुआ था. और मैं एक्चुअली मैं तभी सोच रहा था यार ये 3 जब भी बन रहा होगा, काश ये भी आए 3 में. And it just happened. So, yeah, I got really happy when she texted during Bulbulaa 2. जब साथ काम करने का मौका. अब जब text करती हूँ तो you know text का जवाब ही नहीं आता.
यही होता है 2 से 3 के बीच. शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती. नहीं मजाक कर रही हूँ. मतलब बहुत पॉजिटिव बज है. मतलब मेरे इससे पहले की मुलाकात हुई कार्तिक से, ऐसा बहुत पॉजिटिव बज है जिस तरह से कैंपेन पूरा जा रहा है. अब मैं कल के गाने की बात करूँ, लोगों ने इतना जिन्होंने लाइव आपको देखा वो एकदम जादुई था और बहुत 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 लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. मैं विद्या आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपने उम्मीद की थी कि इतना लोग सराहेंगे जबकि हमारे सामने एक फिल्म है, मतलब एक क्लैश हो रहा है फिल्म के साथ, लेकिन उसके बावजूद जहां एक इतनी बड़ी दुनिया है, एक इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, एक तरफ आप लोग हैं, लेकिन आपकी फिल्म के बारे में, इसलिए नहीं कि मैं रूबरू हूँ आपसे या मैं कार्तिक के रूबरू हूँ, वाकई में इफ़ यू आस्क यू नो 7 पीपल और 10 पीपल आउट ऑफ 10, 7 से क्या हमें वी आर यू नो क्यूरियस टू सी द फिल्म, व्हाट्स योर थॉट? We are very grateful for that kind of excitement. I think, like I'm saying that I'm really back to have come back to Bhool Bhulaiya. मुझे पता नहीं था कि इस तरह से reactions आएंगे. Announcement के time से इतना excitement और buzz है. और फिर हमने जो teaser release किया, उसके बाद trailer release किया, हर चीज़ को लेकर इतना excitement build हुआ है लोगों में. And then yesterday, you know, his song, then our song. So I think hum log right track pe hain. And I just hope people come and enjoy the film because it is an enjoyable film. That's all. That's all. Very, yeah, very happy. We're actually really excited for the release. Because kya hai, main khud excited hoon dekhne ke liye. Yeah, yeah. Kyunki ye bahut time baad ek entertainer aa rahi hai. एंड ये प्रॉपरली सेट होती है दिवाली के टाइम जहाँ पर फेस्टिव मोड है लोगों का, फैमिलीज जाना चाहती हैं थिएटर्स में, इन्जॉय करना चाहती हैं कॉमेडी को, हॉरर को एंड कहानी को. तो एक आई थिंक इट्स अ फुल ऑन होलसम एंटरटेनर है जो आ रही है इस दिवाली. करती होती तो आस्क समथिंग मोर, यू नो, कि जब मैं कास्टिंग की बात करता हूँ, कास्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. पहले आप आए या पहले माधुरी जी आई या उसके बाद विद्या जी आई, आपके लिए सरप्राइजेस कैसे आए? एंड बिफोर यू केम ऑन बोर्ड विद्या, माधुरी जी पहले आ चुकी थी या बाद में? वो इनके बाद आई थी एक्चुअली. और मैं एक्चुअली कंटिन्यू हो रहा था रू बाबा का कैरेक्टर, तो मैं भूल भुलैया 2 के बाद 3 में था, ये पहले भूल भुलैया 1 में थी, ये तो मेरे पहले भी आ गई थी. तो ये बड़ा अजीब सा एक यूनिवर्स है जहाँ कौन पहले आया, अंडा पहले आया या मुर्गी, नहीं पता. बट 3 में एक्चुअली मुझे ये पता चल गया था कि हाँ विद्या जी आ रही है, और इन्हें पता चल गया था कि माधुरी जी आ रही है. दैट वॉज द होल पॉइंट एंड बहुत एक्साइटमेंट था. पहले मैं झूमा कूदा, फिर ये कूदी, वो वहीं पे थी. इतनी झूमी कि कल गिर गई. ये कल गिर गई वहाँ. ये भी बड़ा कमाल का. इट्स नॉट अबाउट मी अप्रिशिएटिंग, यू नो, वी आर सिटिंग, द रीजन वी आर सिटिंग टुगेदर, बहुत लोग ने उस बात की सराहना की जिस तरह से आपने चीजें संभाली. अमूमन लोग बहुत अपने आप में बड़ा, यू नो, अजीब फील करते हैं और अपने आप को सोचते हैं यार क्या हो गया, लेकिन जिस ग्रेसफुली, मतलब द वे यू हैंडल इट ना, थैंक यू, जस्ट लव्ड इट, टू गुड मी टेलिंग यू दिस, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और लोग इंतजार करते हैं इस तरह की चीजों का ट्रोल करने का. व्हाट यू टू से अबाउट इट? लास्ट नाइट आई जस्ट फेल्ट लव्ड बिकॉज यू नो इन अ मोमेंट लाइक दिस, especially for someone like me, जिनको डांस से वैसे भी डर लगता है, फिर माधुरी दीक्षित के साथ आप डांस कर रही हैं और फिर आप स्टेज पे लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हो और फिर ऐसा कुछ होता है, तो यू नो मेरे लिए अजीब हो सकता था, पर आई एम ऑल्सो अमेज कि मुझे कुछ लगा नहीं, मैंने कंटिन्यू किया. तो आई फेल्ट एंड आई थिंक इट वॉज बिकॉज आई कुड सी, आप किसी एक इंसान को देख नहीं रहे होते हो जब आप स्टेज पे होते हो, पर आई कुड सी अनीस भाई एंड आई कुड सी भूषण एंड ऑल चीयरिंग मी, मनु द डीओपी एंड द चीयर फ्रॉम द ऑडियंस. आई थिंक आई डोंट नो एक्चुअली मुझे आई डोंट रिमेम्बर व्हाट दैट मोमेंट वाज लाइक. आई जस्ट कंटिन्यूड, आई फेल्ट लाइक द शो मस्ट गो ऑन. और वो भी रियलाइज नहीं हुआ, हाँ मैंने कर दिया. फिर मैंने अपने आप से कहा कि हाँ शायद ये. आखिरी दो सवाल, जिस तरह से मैंने देखा कल आप जिस तरह से माधुरी जी के बारे में बात कर रही थी, जिस मान सम्मान से बात कर रही थी, एक अलग तरह की इज्जत, अलग तरह का सम्मान नजर आ रहा था. और जिस इंडस्ट्री में हम हैं वहाँ बड़ा कंपटीशन है कि भाई दो एक्ट्रेस हैं तो इनका फेस ऑफ है या इनके टेंट्रम्स हैं या कुछ ऑन सेट इशू हो रहा है. मुझे एहसास हुआ शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है
जहाँ एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को पूछ रहा है हाउ शी रिएक्टेड यू नो वाज योर डे वर्किंग विद माधुरी ऑन द वेरी फर्स्ट डे ओह इट वाज अमेजिंग आई वाज एक्चुअली नर्वस बिकॉज हमने पहले ही दिन हमारा गाना शुरू हुआ तो आई वेंट एंड टोल्ड आई सेड कुछ गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ करिएगा तो शी सेड डोंट बी क्रेजी हम लोग बस मतलब वी विल एंजॉय दिस प्रोसेस एंड आई वाज लाइक फाइन एंड ऐसे चार दिन निकल गए सो इट वाज ग्रेट आई जस्ट थिंक देयर इज नो कॉम्पिटिशन फॉर माधुरी दीक्षित सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कम्पीटिंग विथ हर शी इज़ द रीजन आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर So to be sharing the frame with her, to be dancing with her is a big honor for me. Kartik Bubhaba is everywhere. अब बहुत नजदीक हैं हम release के. कितनी रातें ऐसी गई हैं जो आप सोए? ये क्या सवाल पूछ लिया आपने? कॉफी यहाँ रखी है और मेरी आंखें खोलिए. बस ये इतना हंस रहा है. पर क्या है ना? दिन के वक्त वो प्रमोशंस में बिजी रहते हैं तो रात को दूसरा भी अच्छा हो क्या हो बिकॉज़ हमारी लाइफ में जो लोग हैं दे शुड आल्सो फील लव्ड ना करेक्ट दे शुड आल्सो फील लव्ड कटोरी मेरी लाइफ में है उनको बहुत लव फील होता है लेकिन मैं हाँ बहुत रातें हो गई हैं कि मैं सोया नहीं हूँ और प्रोफेशनली और काम की वजह से मैं नहीं सोया हूँ एंड बट आई थिंक ये होता है ये लास्ट में इनफैक्ट जब प्रमोशंस चल रहे हैं इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है कभी इस शहर में कभी दूसरे शहर में कभी यहाँ पर हम जिस तरीके से सुबह से रात तक यहाँ पर है पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई है और कब रात हो चुकी है तो वो अभी ये ऑनगोइंग है अगले 10 दिन तक मुझे नहीं लगता मैं ढंग से सोने वाला हूँ बिकॉज वो एक्साइटमेंट भी है जस्ट दैट नर्वस एनर्जी से ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है तो कहीं ना कहीं यही है कि ये फिल्म बस जिस तरीके से इमेजिन की थी उस तरीके तक तरीके से सबको पहुंचे और सब तक सीखा अपनी विद्या के साथ काम करके व्हाट यू लर्न फ्रॉम बहुत विद्या मिली मुझे इनका ये इनसे बहुत सीखने को मिला मुझे लगता है कि अगेन इन एक ईज है इनका इन फ्रंट ऑफ कैमरा इन फ्रंट ऑफ आप इंटरव्यूज में भी देख लो आप कैमरा पे मैंने क्योंकि इनके साथ एक्ट किया है तो मुझे पता है जिस तरीके से ये इम्प्रोवाइजेशन जब करते हैं बहुत ईज है आई थिंक वो कंफर्ट और वो ईज आना कैमरा के सामने बहुत मुश्किल काम होता है लोगों को अपने जैसे वो नॉर्मल हैं वो कैमरा के सामने लोगों तक ऐसे प्रेजेंट करना जो लोगों को पसंद आए और पैलेटेबल हो वो इनमें है वो एंड इट्स वेरी हार्ड टू लर्न दैट बहुत सारी क्वालिटीज हैं पर मुझे लगता है कि कार्तिक बहुत ही ज्यादा मेहनती है और हर चीज को लेके सोचता है अपने काम को लेके और फिल्म को लेके उसको बेहतर कैसे बनाया जाए ही इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग मैंने आप कार्तिक से पूछे थे कि उन्होंने मुझसे क्या सीखा मैंने मक्खी मारना सीखा नहीं पर वो कभी झक नहीं मारते नहीं और वो ना जैसे उनका सोशल मीडिया गेम भी जो है बहुत ही ऑर्गेनिक है वो सतर्क रहते हैं हमेशा कि अच्छा ये तो बहुत फनी है ये हम मतलब करके मेरा ना दिमाग ऐसे काम भी नहीं करता सो आई एम लर्निंग एंड ऑब्जर्विंग एंड सेइंग वाओ You know, इसमें कोई forced वाली बात नहीं है and that's what I'm enjoying observing, learning from Kartik. The last question and we wind up this interview. फिल्म का clash होने जा रहा है अलग फिल्म के साथ एक अलग तरह का माहौल है और अपनी फिल्म को या उनकी फिल्म हमारी फिल्म को लेके भी यार उस तरह की दोनों फिल्म हमारी अपनी बहुत अच्छे numbers की उम्मीद करी जा रही है और आ रहे हैं इस तरफ से भी उस तरफ से भी आप खुद एक producer फिल्म family का हिस्सा हैं अगर आप इस सिचुएशन में फंसती तो आप क्या डिसीजन लेती और क्या आपको नहीं लगता इन जनरल मैंने कार्तिक को भी पूछा था ये सवाल कि एज अ प्रोड्यूसर हम सब एक एक इस तरह के नोट पे आके चीज़ें करनी चाहिए ये आखिरी क्लैश तो है नहीं कि भाई आखिरी और इससे पहले भी फिल्में क्लैश हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी क्या आपको नहीं लगता कि मेकर्स को एक नोट पे आके कुछ एक एक, एक सोल्यूशन निकालना चाहिए था जिससे फ्रेंड्स यू नो फैंस डिवाइड नहीं होते ऑडियंस डिवाइड नहीं दोनों तरफ फायदा होता
देखिए मैं ऑफ कोर्स मेरे प्रोड्यूसर से शादी हुई है पर मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ तो मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता, पर मुझे लगता है कि अच्छा है, दो दो ऑप्शंस है लोगों के पास दिवाली के दिन, और दिवाली का वक्त ऐसा है कि सब फैमिली के साथ सब करना चाहते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। हमारी फिल्म फैमिली एंटरटेनर है, वो मैं यकीनन आपको बता सकती हूँ, और बाकी मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि इससे लोग वापस थिएटर्स में आना शुरू करें क्योंकि दो दो अच्छी फिल्में लगी है। उम्मीद तो यही है कि सबका फायदा हो क्योंकि उसमें हमारा भी फायदा है। थैंक यू नसीम, आपकी फिल्म लोग पसंद करें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।